आपकी डिलीवरी जुलाई अगस्त सितंबर में होने वाली है, तो डिलीवरी होने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जल्द से जल्द सही कर लेना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बने और डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। मेरा नाम है रेशु और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर, और आप सबका एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि महिलाओं की जब डिलीवरी होने वाली होती है तो वो चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही हो। हर किसी महिला का एक ये ख्वाब होता है एक तरीके का कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी सी होती है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, बॉडी में कोई भी कट नहीं आता है और मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी में। सी सेक्शन डिलीवरी में थोड़ा लॉन्ग टाइम की केयर हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से सभी महिलाएं सी सेक्शन डिलीवरी से डरती हैं। थोड़ा सा दर्द सह लेती हैं नॉर्मल डिलीवरी में, लेकिन हाँ पूरी ज़िंदगी भर का चैन होता है, तो ऑब्वियसली सभी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी अगर आप भी चाह रहे हो तो आपको डिलीवरी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान जरूर दे लेना चाहिए, तभी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। तो जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, पहली बार मुझसे मिल रहे हो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं। चलिए फिर हम इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है आपके शरीर में खून की मात्रा। हाँ जी, अगर आपके शरीर में डिलीवरी टाइम तक खून की कमी नहीं है, खून की मात्रा एकदम सही है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहली चीज़ जो आपको सही करना है वो है खून की मात्रा। अगर आपका HB कम आया है, आपने HB टेस्ट कराया है, तो जल्द से जल्द आप अपनी खून की मात्रा बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ाना है, ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो पहली चीज़ क्लियर है कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, खून की कमी को जल्द से जल्द आप पूरा कर लीजिए। दूसरी चीज़ है बच्चे का वजन और खुद का वजन। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपके बच्चे का वजन, जैसे कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और वजन कम आया है बच्चे का, तो आपको फिर ऐसे में जल्द से जल्द बच्चे का वजन सही करना है, बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, अगर आप एक बैलेंस डाइट प्रॉपर फॉलो करते हो, अपनी डाइट में कोई भी लापरवाही नहीं करते हो, कोई भी अपना चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, स्किप नहीं करते हो, टाइम टू टाइम एक बैलेंस डाइट लेते रहते हो, तो इससे घर में बच्चे को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलते हैं और बच्चे का वजन भी सही तरीके से बढ़ता है। इसके बाद अगर आपका वजन भी कम है, जैसे कि पूरी प्रेगनेंसी महिलाओं का वजन 12 से 15 किलो तक बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका वजन इतना नहीं बढ़ा है, जैसे कि चौथे महीने से प्रेगनेंसी में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो अगर आपका वजन चौथा महीना भी लग गया है, पांचवा भी लग गया है, छठवां भी लगने वाला है और आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा है, पहले ही जैसा है, तो जल्दी से आप अपने वजन को बढ़ा लीजिए। उसके लिए आप अपनी डाइट में हेल्दी न्यूट्रिशन भरी हुई चीज़ें लेना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हैं, फल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों का सेवन जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप अपने वजन को बढ़ा पाओ और घर में बच्चे के वजन को भी बढ़ा पाओ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका वजन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आप मोटे हो गए हो, 70, 75, 80 किलो तक आपका वजन अभी से पहुँच गया है और डिलीवरी का समय अभी बाकी है, तो आप जल्द से जल्द अपने वजन को कंट्रोल कर लीजिए। इसके लिए जो भी बाहर का चटोरी वाली चीज़ें आप खाते हो, तेल मसाले वाली, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक हेल्दी डाइट ही आप प्रॉपर फॉलो कीजिए, इससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा और आपका वजन बेवजह नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में आ जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर सही रही, आपका वजन और बच्चे का वजन, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो होती है बच्चे की पोजीशन। अगर आपके बच्चे की पोजीशन सेफलिक है तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक सही पोजीशन मानी जाती है, लेकिन अगर आपके बच्चे की पोजीशन ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, मतलब बच्चा उल्टा है पेट में या आड़ा है, तो आपको बच्चे की पोजीशन को जल्द से जल्द चेंज कर लेना है,
कैसे कर लेना है। एक तो ये नेचुरल होता है, बच्चा डिलीवरी से पहले ही अपनी सही पोजीशन ले लेता है, लेकिन कई रीज़न की वजह से बच्चा अपनी सही पोजीशन में नहीं आ पाता है और फिर लास्ट टाइम पे सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो उसके लिए कुछ आपको अपने हाथ पैर भी मारना चाहिए, बाकी काम तो बच्चा कर ही लेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप अभी तक एक्टिव नहीं रहते हो तो अब आप एक्टिव रहना स्टार्ट कर दीजिए। वॉकिंग डेली कीजिए 30 मिनट इवनिंग में, 30 मिनट मॉर्निंग में, और कुछ एक्सरसाइज भी कीजिए जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप कीजिए, स्क्वाटिंग कीजिए, और अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज करना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे बच्चे की पोजीशन सही होने में मदद मिलती है, बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है, मतलब कि सेफलिक पोजीशन में आ जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक सही पोजीशन होती है। तो बच्चे की पोजीशन पर ध्यान देना भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद है चौथी चीज़, वो है पानी की कमी। अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि घर में आपके बच्चे के पानी की कमी हो गई है, चारों तरफ जो पानी होता है जिसमें बच्चा 9 महीने तक रहता है उसमें पानी कम हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम बताई है और डिलीवरी में अभी टाइम है तो जल्द से जल्द अपने घर में पानी की कमी को पूरा कर लीजिए। उसके लिए 7 से 8 ग्लास पानी डेली पीजिए, जूस लीजिए आप भरपूर मात्रा में, आप सिकंजी लीजिए, नींबू पानी का सेवन कीजिए, नारियल पानी पीजिए। साथ ही साथ घर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इस टाइम रेस्ट का भी फुल ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि कभी भी आपको फीवर हो रहा है, हल्का फुल्का फीवर आ रहा है, अंदर से आता है एक फीवर, एक ऊपर से भी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो अगर ऐसा है आपको फीवर आता है तो फीवर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बार बार फीवर आने से भी गर्भ में जो पानी होता है वो सूखने लगता है, कम होने लगता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ तो इन चीज़ों पर ध्यान जरूर दीजिए, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी तक ये चीज़ें सही हो पाए। इसके बाद है पाँचवीं चीज़ और लास्ट चीज़, वो है अपने माइंड को आपको प्रिपेयर करना है। हाँ जी, कुछ महिलाएं क्या होती है नॉर्मल डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा डरने लगती हैं, कैसे पेन होगा, कितना ज़्यादा पेन होगा, कैसे बेबी आएगा, कुछ समझ में नहीं आता। एक तो अपने आस में पड़ोस में पूछती हैं तो कुछ लोग डरा देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं आप लोग के सामने कि आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो नॉर्मल डिलीवरी को लेके। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने पड़ोस वाली का एक्सपीरियंस लिया है तो उसने बताया कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपकी बॉडी उससे अलग है, इतना ध्यान दीजिए। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी भी अलग अलग होती है। किसी को नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है तो किसी की मामूली दर्द में भी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को, अपनी प्रेगनेंसी को किसी और से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। सबका शरीर अलग अलग है तो ज़रूरी नहीं कि सबका दर्द भी नॉर्मल डिलीवरी के समय सेम हो, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली महिला नहीं हो जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दोगी, बहुत सी महिलाओं ने आपके घर में भी बच्चे को जन्म दिया होगा। तो हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपके क्लोज हैं उनसे ही एक्सपीरियंस लें, जिससे कि वो आपको डराएंगे नहीं, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और फालतू में किसी की चीज़ों से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी होगा डिलीवरी के टाइम देखा जाएगा, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिना दर्द के भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। डॉक्टर आपको एपिड्यूरल देते हैं, मतलब एक सुन का इंजेक्शन देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपकी बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी होती है। ओनली आपको पुश करना होता है, दर्द आपको बिल्कुल नहीं होता है। तो आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है, घबराने की लेकिन ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इस टाइम स्ट्रेस में रहोगे तो लेबर पेन को लाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते हैं और आपको लेबर पेन नहीं आता है टाइम से। और जब लेबर पेन में लेट हो जाता है तो फिर डॉक्टर सी सेक्शन का ऑप्शन चुन लेते हैं। इसीलिए स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहें, स्ट्रेस को अपनी प्रेगनेंसी पर हावी ना होने दें। आई होप अब आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी ही करने के लिए आप इन चीज़ों पर ध्यान जरूर देंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना टॉपिक भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। बाय, थैंक यू।